बजट 2024-25 में कई बड़े ऐलान हुए जिन्होंने जनता का ध्यान आकर्षित करा है। इसी बीच आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी एक बड़ा डिसीजन लिया है। इस बजट में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को 12,850 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इस बजट के चलते गवर्नमेंट ने 8,500.35 करोड़ का फंड सोलर पावर के लिए दिया है, जो कि बजट 2023-24 से 79% ज्यादा है। आपको बता दें कि पूरे सोलर एनर्जी सेगमेंट के लिए सरकार ने 16,394.75 करोड़ का बजट आवंटित करा है, जो कि पिछले बजट में 6,041.56 करोड़ था। इतना ही नहीं, सरकार ने 851 करोड़ का एलोकेशन विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी में भी किया है। इसके साथ ही 600 करोड़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, 300 करोड़ का फंड बायो एनर्जी प्रोग्राम में करने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार की मंशा इस बजट से साफ हो गई है कि वो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को लेके काफी फोकस्ड है। इस बजट में एक और स्कीम पर काफी फोकस रहा है, जो की थी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। इस स्कीम के लिए सरकार ने पिछले इंटरिम बजट में 75,021 करोड़ का एलोकेशन किया था। आपको बता दें कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उठाए हुए नए कदमों से रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स पर भी शेयर मार्केट में काफी असर दिखा है। आपको सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते कदमों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.